हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे पोर्ट्रेट। मेरे पास ये पिक है, तो पहले मैं इस पर ग्राफ लगा रहा हूँ। एक बच्चे की पिक है मेरे पास, तो इस पर ग्राफ लगा के आपने जितनी इससे 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा अपनी कुछ पोर्ट्रेट बनाना है, तो आप फिर वो उस सीड पर उतने ही ग्राफ लगाएंगे जितने इस मैंने पिक पर लगाए हैं। जी, मैंने वो सीड पर ऊपर 12 और 13 ग्राफ थे, एक साइड 12 थे, एक साइड 13 थे ऊपर तो नीचे, पर उसके अकॉर्डिंग ही हम ये पोर्ट्रेट ड्रा करेंगे। जिस ग्राफ में किसी भी पोर्ट्रेट की जैसे आईज है, नोज़ है, ईयर है, तो उसी ग्राफ में हम ड्रा करेंगे उसके हेयर, कौन से ग्राफ को कट कर के कहाँ से वो जो हम फाइन लेंस लगाते हैं पोर्ट्रेट की वो लगाएंगे। जैसे जो ऊपर मैंने हेयर की वो लगा रहा हूँ, हम इस तरह हम फेस को जैसे मैंने जो फाइन लाइन उसकी फेस की मैंने ड्रा कर दी है, जैसे जो आईज आप उसके बीच कहाँ पर बनी हुई है ग्राफ में, आप ऊपर नंबर मार्क लगा सकते हो, आप देख सकते हो कि ऊपर कौन से ग्राफ में बनी हुई है, उसी ग्राफ में हम बनाएंगे। आप कोई भी आप पिक ले लो, उस पर पहले आप ग्राफ लाओ, फिर वो सीट जितना बड़ा आप बनाना चाहते हो उतना बड़ा उससे आप बड़े ग्राफ लगा के तो स्टार्ट कर सकते हो इसे फेस। तो आपकी ये प्रैक्टिस पर डिपेंड है, तो बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो ड्राइंग भी अच्छी हो जाएगी, तो वो बिल्कुल वही फेस ड्रा हो जाएगा जो आपके पास होता है, जो पिक में है वो हो जाएगा। तो इसकी बार बार प्रैक्टिस करने से जे ग्राफ के अकॉर्डिंग आपने किसी का फेस बनाना हो तो बना सकते हो। तो उसके बाद आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप डायरेक्ट वी वो आपको पता चल जाएगा, तो डायरेक्ट वी फेस बना सकते हो। जैसे मुझे लिप्स बनाया है मैंने, कौन से ग्राफ पर है, कितनी इसकी लेंथ है, वो ग्राफ को आप देख सकते हो कि हाफ पर है और टू ग्राफ है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह हम ये जो ड्रा करने के लिए 2B पेंसिल हम यूज़ करते हैं, तो उसके बाद इस पर हम 6B, 10B, 4B से इसकी शेडिंग करेंगे। उसके बाद इसको लाइट कर लो आप, जो ग्राफ ने वो रेज कर दो, और उसकी हमने जो जहाँ पर लाइट पड़ रही है वो लाइट छोड़ेंगे, ये वाला पार्ट है, जहाँ हमने डार्क करना है डार्क करेंगे। मेरे पास 4B भी है जो मैं 4B से कर रहा हूँ, पहले लाइट फिर उसके बाद 10B से थोड़ा डार्क करेंगे। जैसे हेयर ऊपर से स्टार्ट किया मैंने, इसकी शेडिंग करेंगे हम। तो आप इस तरह ड्रा कर सकते हो, कोई भी पिक ले लो, पहले उस पर ग्राफ लगाओ और उतने ही ग्राफ आप जिस सीट पर बनाना चाहते हो उससे बड़े लगा लो आप, तो उसी ग्राफ के अकॉर्डिंग आप चलते जाओ। जिस ग्राफ में कोई भी पार्ट बनता है, ईयर बनते हैं, आईब्रो बनता है, लिप्स बनते हैं, तो उसी ग्राफ में आप ड्रा करते चले जाओ, तो आप का फेस ड्रा हो जाएगा। पहले फाइन लाइन से करो और उसके बाद आप उसको ऑब्ज़र्व करो, उसको अच्छी तरह वो पिक को देखो कि कहाँ पर इसके डार्क है और कहाँ पर लाइट है, वहाँ आप उसकी डेप्थ दे दो, जहाँ डार्क है वहाँ डेप्थ दे दो। तो इस तरह हम जैसे जी शेडिंग 4B के साथ हम कर रहे हैं, तो शेडिंग के तो काफ़ी मेथड है, तो वो आप कोई भी आपको यूज़ कर सकते हो। हैचिंग
क्रॉस हैचिंग, स्मूथ, इस तरह पहले लाइट, हम यूज कर रहे हैं और भी पेंसिल, इसमें जहाँ डार्क करना होगा तो हम 10 भी पेंसिल यूज करेंगे। अब जहाँ लाइट रखना है लाइट टोन, जहाँ ज़्यादा डार्क करना है डार्क टोन आप, तो जहाँ बीच में थोड़ा मिडल टोन, लाइट और डार्क टोन के बीच, इस तरह आप पहले फेस में आप लाइट शेडिंग कर सकते हो। इन द एंड वी यूज एक्स्ट्रा डार्क टोन ओवर नोज, हेयर, आईज, लिप्स, ईयर, वो 6B 10B हम यूज करेंगे। इस तरह आप बार बार प्रैक्टिस करने से आपकी जो ड्राइंग है वो अच्छी हो जाएगी। तो आप ये नहीं हो सकता कि आप पहला जो पिक है पहली पिक में आप वो एग्जैक्ट ड्राइंग कर लेंगे। इस तरह आप किसी का भी फेस ड्रा कर सकते हो। जी मैंने अब कंप्लीट कर दिया इसकी शेडिंग करके, जहाँ मैंने डार्क करना था डार्क कर दिया, लाइट छोड़ना था लाइट छोड़ दिया। आप इसी के साथ ऐसे ग्राफ लगा के किसी का भी फेस ट्राई कर सकते हो। Thanks.